गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के रिगार्डिंग कुछ थ्योरम्स के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोगों ने MN टेस्ट और भी बहुत सारे रिजल्ट देखने का प्रयास किया था और उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाए थे। और एक और थ्योरम जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में किया था कि कैसे फंक्शनल लिमिट और सीक्वेंस लिमिट को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी के बाद मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो अगर आप इसके स्टेटमेंट को देखें तो ये क्या कहता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैसे कनेक्ट किया गया कि FAN आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, FAN बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन विच इज डिफरेंसिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंसिएबल है। ठीक है, पहली बात क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंसिएबल है। साथ ही साथ एक्स नॉट जो कि क्लोज इंटरवल ए बी का कोई फिक्स पॉइंट है, तो FAN एक्स नॉट कन्वर्ज करता है सम पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, मतलब भाई एक्स तो FAN एक्स रन करता है क्लोज, लेकिन आपने एक्स नॉट फिक्स कर दिया, तो x नॉट फिक्स कर दिया और n रन कर रहा है, तो ये भी तो सीक्वेंस तैयार हो रहा है। ये सीक्वेंस किसी बिंदु x नॉट के ऊपर जो है या क्लोज इंटरवल ab के सम पॉइंट x नॉट के ऊपर कैसा है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, फिर कहता है कि FAN डैश जो सीक्वेंस ऑफ मतलब FAN सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था, FAN डैश का मतलब कि हर एक फंक्शन जो है वो डिफरेंसिएबल है, तो FAN डैश कन्वर्ज करता है क्लोज इंटरवल ए बी में यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो कहता है साबित करिए कि तब जो आपका एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो भी इस क्लोज इंटरवल ए बी में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करना चाहिए किसी फंक्शन एफ पर। साथ ही साथ इस FAN की लिमिट, FAN की जो सॉरी FAN डैश लिमिट यन टेंडिंग टू इंफिनिटिव FAN डैश इज इक्वल टू बराबर होना चाहिए एफ डैश एक्स। मतलब अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी फंक्शन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, तो इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के डेरिवेटिव का यन टेंडिंग टू इनफाइनाइट की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो एफ डैश एक्स की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। फिर ठीक है, फिर से मैं स्टेटमेंट को समझिए कि FAN जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, पहली बात दिया हुआ है, विच इज डिफरेंसिएबल, वो डिफरेंसिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, अगर FAN जो है वो डिफरेंसिएबल है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और FAN x नॉट क्लोज इंटरवल ए बी का कोई पॉइंट है। ठीक है, और जैसे ही आपने x की जगह x नॉट रखा तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस तैयार होगा, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है क्लोज इंटरवल ए बी में कन्वर्जेंट है, पहली। दूसरी बात, तीसरी बात कि FAN डैश भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऐसा है कि वो क्लोज इंटरवल ए बी में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, तो कहता है कि साबित करिए कि जो एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो किसी फंक्शन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि लिमिट यन टेंडिंग टू इंफिनिटिव FAN डैश एक्स की वैल्यू बराबर हो जाएगी एफ डैश एक्स के। हर केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो निश्चित तौर पर ऐसा होगा। ठीक है, इस चीज को आपको साबित करना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो फंडामेंटल डिफिनीशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का यूज करेंगे और दूसरा इसमें फंडामेंटल कॉसी टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो अगर फंडामेंटल डिफिनीशंस की बात करें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है FAN, वो किसी फंक्शन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, तो इसका मतलब है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर मस्ट बी एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन विच इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन बट नॉट एक्स। ठीक है, तो सच दैट स्मॉल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल एन, वी हैव मॉड ऑफ FAN एक्स माइनस FX इज लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड फॉर एवरी एक्स कहां बिलोंग करता है, ई का मेंबर है। ठीक है,
अब कॉसी टेस्ट क्या बताया गया था कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है किसी फंक्शन एफ के ऊपर ई के अंदर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इफ एंड ओनली इफ आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर एफ किसी भी एप्सिलॉन के लिए पॉजिटिव इंटीजर एन इस प्रकार से मिलेगा जहां पर एन कॉमा एम की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल एन होगी और ये इंप्लाई करेगा कि मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ई। तो ये सारी चीजें आप जो है परिचित है। अब हम अपने थ्योरम को प्रूफ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं इस स्टेटमेंट को रफ कर दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह कम है और हमें पूरी प्रूविंग करनी है। तो स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफरेंसिएबल है, एक्स नॉट पर्टिकुलर प्वाइंट है तो एफ एन एक्स नॉट कन्वर्जेंट है, तीसरी बात की एफ एन डैश जो है वो डिफरेंसिएबल फंक्शन का सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। तो कहता है साबित करिए कि एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ फंक्शन किसी फंक्शन एफ के ऊपर क्लोज इंटरवल एबी के अंदर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करना चाहिए और साथ ही साथ ये स्टेटमेंट भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ठीक है स्टेटमेंट को रहने दीजिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। लेट एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो बी ए गिवन, मान लिया हमने इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, सिंस दिस इज एफ एन एक्स नॉट, एफ एन एक्स नॉट दिस इज एन इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी, दिस इज कन्वर्जेस फॉर सम पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। इट मीन दैट एफ एन एक्स नॉट इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस फॉर एक्स नॉट, ठीक है। तो यू नो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉसी सीक्वेंस, ठीक है। तो निश्चित तौर पर, और ये चूंकि क्लोज इंटरवल ए बी में है तो क्लोज इंटरवल ए बी रियल लाइन का सबसेट है तो ये सब रियल नंबर में होंगे। तो यानी कि आप यहां पे बोल सकते हैं दिस शोज दैट एफ ए एन एक्स नॉट एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी इज ए कॉसी सीक्वेंस इन आर, इज ए कॉसी सीक्वेंस इन आर, ठीक है, या कॉसी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अगर ये कॉसी सीक्वेंस है तो कॉसी सीक्वेंस की डिफिनेशन को भी क्या करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा। क्या कहता है कॉसी सीक्वेंस का डिफिनेशन, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, गौर करिएगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन वन दिस इज सच दैट एन कॉमा एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन वन, दिस इज वी है, क्या वी है, मॉड ऑफ एफ एन एक्स नॉट माइनस एफ एम एक्स नॉट इज लेस देन एप्साइलॉन बाय टू, से इक्वेशन नंबर वन। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात थी कि एफ एन एक्स नॉट जो है वो कन्वर्जेंट था। अगर वो कन्वर्जेंट है तो निश्चित तौर पर आप ये थ्योरम जानते हैं बीएससी 2 से कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है वो कॉसी सीक्वेंस होता है, तो ये कॉसी सीक्वेंस हो जाएगा। और अगर ये कॉसी सीक्वेंस है तो इसके दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा अगर एन एम की वैल्यू जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल एन जो है हो जाए, ठीक है, कैपिटल एन वन हो जाए, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, और भी चीजें क्या गिवन है आपके पास, गिवन क्या है कि एफ एन डैश एक्स एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिट गिवन दिया हो, ठीक है। ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है, दिस इज कन्वर्जेस दिस इज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन बाय कॉसी टेस्ट
ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन टू सच दैट एन कॉमा यम इज ग्रेटर देन यन टू और दिस इज वी हैव मॉड ऑफ एफएम डैश टी माइनस एफएम डैश टी ठीक है एफएम डैश टी इज लेस देन एप्साइलॉन अपॉन टू टाइम दिस इज बी माइनस ए टू टाइम बी माइनस ए एंड फॉर एवरी टी इज द मेंबर ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी से इक्वेशन नंबर टू देखिए यहां तक आपने कोई काम नहीं किया यहां तक सारी चीजें आपके पास इन्फॉर्म थी सबसे पहली बात तो एफ एन एक्स नॉट कॉसी कन्वर्जन सीक्वेंस था इसलिए वो कॉसी हो जाएगा और कॉसी हो जाएगा तो वो इक्वेशन नंबर वन को सेटिस्फाइड करेगा मतलब आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर एन वन इस प्रकार से मिलेगा जो इस तरह के इक्वेशंस को फॉलो करेगा ठीक है दूसरी बात एफ एन डैश एक्स कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली तो इसका डेरिवेटिव जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है क्लोज इंटरवल एबी में इसका मतलब कि ये कॉसी टेस्ट फॉर इनफॉर्म कन्वर्जेंस सेटिस्फाइड करेगा सेटिस्फाइड करने का मतलब एफएन डैश टी मॉड ऑफ एफएन डैश टी माइनस एफएम डैश टी इज लेस देन एप्सिलॉन कुछ भी आप एक्स भी ले सकते हैं टी भी ले रहे हैं तो टी उसी क्लोज इंटू किसी भी बिंदु के लिए होता है तो एफएन डैश टी माइनस एफएन डैश टी इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन टू बी माइनस ए वेयर बी इज नॉट इक्वल टू ए एंड फॉर एवरी टी कहां बिलोंग करता है क्लोज इंटू एबी में देखिए अब आपने इसके लिए इंटीजर एन वन लिया इसके लिए इंटीजर एन टू लिया इन दोनों में कोई ना कोई मैक्सिमम होगा तो वो मैक्सिमम साइमल्टेनियस इक्वेशन वन को भी सेटिस्फाइड करेगा और साइमल्टेनियसली वो इक्वेशन टू को भी क्या कर जाएगा सेटिस्फाइड कर जाएगा उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मैंने इस तरह की चर्चाएं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बार की है कि क्यों हम ऐसा करते हैं सिंगल एन के लिए ठीक है तो नाउ वी डिफाइन लेट एन इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस इज एन वन कॉमा एन टू एन वन कॉमा एन टू ठीक है देन फॉर स्मॉल एन कॉमा यम भाई मैक्सिमम से तो ये बड़ा ही होगा जो भी मैक्सिमम हो गया तो एन वन हो मान लीजिए एन वन हो गया तो ये तो एन वन से बड़ा ही है और इसका मैक्सिमम एन वन है तो एन वन से बड़ा और एन वन से बड़ा एन वन ग्रेटर देन इक्वल टू किसको हो जाएगा एन टू को जाएगा दोनों के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा ठीक है तो देन द या द इनइक्वालिटी वन एंड टू दिस इज होल्ड्स गुड इसमें कहीं कोई तकलीफ अब जरा सोचिए कि एफएन जो है वो सीक्वेंस ऑफ डिफरेंसिबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल एबी है तो अगर एफएन डिफरेंसिबल है तो निश्चित तौर पर एफएन माइनस एफएम भी क्या हो जाएगा डिफरेंसिबल अगर दो फंक्शन है तो उनका प्लस और माइनस दोनों ही उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो भी हमेशा डिफरेंसिबल होता है तो उस कंडीशन में अगर फंक्शन डिफरेंसिबल है तो आप मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर एफ कोई फंक्शन वो डिफरेंसिबल है तो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि उस ओपन इंटरवल एबी में जरूर एक टी इस प्रकार से मिलेगा जहां पर एफ डैश टी की वैल्यू जो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी तो हम यहां पर जो इंटरवल ले रहे हैं वो एबी ना लेकर उसी एबी का एक सब पार्ट ले रहे हैं एक्स टी ठीक है तो हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं यहां देखिए अप्लाइंग दिस इज अप्लाइंग द मीन वैल्यू थ्योरम ऑन दिस इज एफएन माइनस एफएम ठीक है फॉर यन कॉमा यम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू यन दिस इज वी हैव ठीक है आप इस तरह समझिए ये आपका ए था
ये आपका बी था, ये आपका एक्स था और ये आपका टी था और यहां पे कोई बिंदु जो है एक्स नॉट है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंसिएबल है तो निश्चित तौर पर वो क्लोज उसके सब इंटरवल में भी डिफरेंसिएबल होगा, ठीक है। तो हम यहां पे कैसे मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं, देखिएगा, दिस इज एफ एन माइनस एफ एम, दिस इज एक्स माइनस, दिस इज एफ एन, दिस इज एफ एम टी, मॉड लगा लिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं अपॉन मॉड, दिस इज बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस टी, दोनों साइड का मॉड ले चुके हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और दिस इज एफ एन माइनस एफ एम का डैश, और किस पे निकाल रहे हो आप लोग, टी जीरो पर, टी नॉट पर, ठीक है। और जहां पे ये जो टी नॉट है आप यहां पे लिख सकते हैं वेयर वेयर टी नॉट इज बिलोंग्स टू द, दिस इज एक्स कॉमा टी ओपन इंटरवल, दिस इज कंटेन्ड इन एक्स कॉमा टी क्लोज इंटरवल एंड दिस इज कंटेन्ड इन, दिस इज क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप, यहां देखिए, दिस इज मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स माइनस एफ एन टी और प्लस एफ एम टी, ठीक है। एफ एम टी दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टी, दिस इज एफ एन टी नॉट और ये एफ एम टी नॉट डैश, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर यूज कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर वन का अगर आप देखें तो एक्स नॉट है, एफ एम एक्स नॉट और ये दिस इज सॉरी हम सॉरी इक्वेशन नंबर टू का यूज करेंगे, तो एफ एन डैश टी, एफ एम डैश टी इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन टू बी माइनस ए, अगर टी क्लोज इंटरवल ए बी का मेंबर है तो टी नॉट भी किसका मेंबर है, क्लोज इंटरवल ए बी का, तो आप क्या यूज करके लिख सकते हैं, मॉड ऑफ दिस इज एफ एन एक्स, एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स माइनस एफ एन टी और प्लस दिस इज एफ एम टी इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस टी, दिस इज एप्साइलॉन अपॉन टू, दिस इज बी माइनस ए, से इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये किसका यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है जरा गौर करिएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स माइनस एफ एन टी और प्लस दिस इज एफ एम टी, ठीक है। यू नो दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस टी इज लेस देन मॉड ऑफ बी माइनस ए, पिक्चर से क्लियर है, क्योंकि एक्स टी इधर है तो इसका एब्सोल्यूट डिस्टेंस इसके एब्सोल्यूट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, और बी ए से बड़ा है तो निश्चित तौर पर ये वैल्यू बराबर हो जाएगी बी माइनस ए, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज लेस देन बी माइनस ए, बी माइनस ए कैंसिल, तो दिस इज लेस देन कितना हो जाएगा, फाइव एप्सिलॉन बाय टू, से इक्वेशन नंबर फोर, ये आपका इक्वेशन नंबर फोर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब हमारा जो मेन एजेंडा है, किसी तरीके से पहली बात तो एफ एन को एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कराया जाए, उसके लिए अगर हम कॉसी टेस्ट ढूंढने में कामयाब होते हैं तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए हम करके आ रहे हैं, फॉर यक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी एंड यन कॉमा यम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू यन, दिस इज वी, दिस इज वी हैव, वी हैव क्या, वी हैव दिस इज मॉड ऑफ एफ एन एक्स और दिस इज एफ एम एक्स, ले लिया एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, गौर करिएगा,
दिस इज एफएम, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफएम एक्स, दिस इज एफएम एक्स माइनस एफएन एक्स नॉट प्लस एफएन एक्स नॉट माइनस एफएम एक्स नॉट और प्लस एफएम दिस इज एक्स नॉट मॉड क्लोज। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, रीअरेंज हम कैसे करना चाहते हैं ये भी बड़ा देखने वाला क्वेश्चन होगा। इसको आप लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफएन एक्स माइनस एफएम एक्स, ठीक है, एफएम एक्स, ठीक है, इज लेस देन आर इक्वल टू, गौर से सुनना, मॉड ऑफ एफएन एक्स ले लिया, ठीक है, फिर माइनस दिस इज एफएम एक्स ले लिया, फिर माइनस एफएन एक्स नॉट ले लिया और प्लस ले लिया एफएम एक्स नॉट। ठीक है, प्लस बच क्या गया, मॉड ऑफ एफएन एक्स नॉट दिस इज एफएम एक्स नॉट। ठीक है, ये टी किसका मेंबर होता है, अगर आप इस टी के इस This is FAM, this one is T, this one is T. अब ये T किसका मेंबर होता है, क्लोज इंटरवल AB का, T is the member of क्लोज इंटरवल AB. यहां पर X नॉट भी किसका मेंबर है, क्लोज इंटरवल AB का, तो निश्चित तौर पर इक्वेशन 4 कहता है कि ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा अगर n m की वैल्यू कैपिटल N से बड़ी हो। ठीक है, तो नाउ बाय यूजिंग दिस, this is strictly less than epsilon by 2, epsilon by 2 is equal to epsilon, means आपको मिला क्या, mod of this is mod of fan x minus fm x is less than epsilon for every n comma m is greater than n and also for every x belongs to close interval AB, then definitely this satisfies the Cauchy test for uniform convergence. ठीक है, तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, this shows that FAN n is equal to 1 to infinite is satisfied is satisfied Cauchy test for uniform convergence. ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपका जो फंक्शन है वो Cauchy test किसको सेटिस्फाइड करेगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को। ठीक है, तो अगर ये Cauchy टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को सेटिस्फाइड कर रहा है तो निश्चित तौर पर ये किसी न किसी फंक्शन एफ के ऊपर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो आप यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं, यहां से आप बोल सकते हैं दिस शोज दैट एफएन इज कन्वर्जेस टू एफ, FAN is converges to F. This is say uniformly on close interval AB. ठीक है? Means क्या हुआ? This is limit n tending to infinity. FAN x is equal to F of x. For every x is the member of close interval AB. ठीक है, this one is the equation number 3 हो गया और equation number 4 and this one is the equation number 5. ठीक है, यहां से फिर से समझने की आपको जरूरत है, इतने सारे स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n बराबर हमने मैक्सिमम ले लिया तो n कॉमा m ग्रेटर देन n के लिए साइमल्टेनियसली इक्वेशन 1 दोनों ही सेटिस्फाइड करेगा। आपके सवाल में था कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दो फंक्शन उसके हर एक टर्म डिफरेंशिएबल है, तो अगर FAM डिफरेंशिएबल है, FAM भी डिफरेंस है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है,
दूसरी बात, अगर आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल एबी में डिफरेंसिबल है तो उसके सब इंटरवल में भी डिफरेंसिबल होगा, ठीक है। उस कंडीशन में आप लोग मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप क्लोज इंटरवल एबी के लिए समझें तो क्लोज इंटरवल एबी में जरूर एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहां पर उस फंक्शन की उसके डेरिवेटिव की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, दोनों साइड का मॉड ले लो तो मॉड ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऐसे यहां पर हमने इंटरवल जो है एक्स और टी ले लिया, एक्स और टी के विद इन एक टी नॉट ऐसा मिलेगा जहां पर इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू टी नॉट पर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस हो जाएगा अपॉन दिस, दोनों साइड का मॉड ले रखे हैं, ठीक है। वेयर एक्स नॉट क्लोज ओपन इंटरवल में है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल एबी में कंटेन करेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ऑपरेट कर दिया, इसको भी अंदर ऑपरेट कर दिया। अब इसकी वैल्यू टी नॉट क्लोज इंटरवल एबी का मेंबर है और आपको पता है कि आपके सवाल में दिया हुआ है कि एफ एन डैश जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, तो लेस देन एप्साइलन हो जाएगा, तो आपके पास एप्साइलन अपॉन टू बी माइनस है, तो मॉड ऑफ दिस एप्साइलन अपॉन दिस। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस टी एबी के विदिन है तो इसका एब्सोल्यूट डिस्टेंस एबी के एब्सोल्यूट डिस्टेंस से छोटा होगा, बी ए से बड़ा है तो इस नाते बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए कैंसिल एप्साइलन बाई टू। अब हमें दिखाना है कि आपका फंक्शन एफ जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होना चाहिए, उसके लिए हम एफ के रिगार्डिंग कॉसी टेस्ट को सेटिस्फाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो एक्स बिलोंग करा लिया क्लोज इंटरवल एबी में, एन कॉमा एम एन से बड़ा है, एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स की वैल्यू निकाला, इसमें सब कुछ ऐसे रह दिया गया, एफ एन एक्स नॉट जोड़ दिया घटा दिया, एफ एम एक्स नॉट जोड़ दिया घटा दिया, ठीक है। इसको 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 और इसको इसको साथ में ले लिया, ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लग जाएगा, फिर प्लस दिस दिस ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इक्वेशन नंबर 3 से, और इक्वेशन नंबर 1 कहता है, इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि fn x नॉट माइनस fn x नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्रोवाइडेड n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू n1, मतलब यहां पर n, ठीक है। तो ये लेस देन एप्सिलॉन, तो डेफिनेटली दिस शोज दैट द fn सेटिस्फाइज द कॉसी टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इट मीन दैट कि fn निश्चित तौर पर किसी फंक्शन f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि fn f के ऊपर से यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है fn x किसके बराबर हो जाएगी, fx के बराबर हो जाएगी। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपके दिमाग में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं। अब हमारा दूसरा एजेंडा सिर्फ इतना ही है, आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो चुका है, बस एजेंडा ये है कि उस फंक्शन की डेरिवेटिव की लिमिटिंग वैल्यू एफ डैश एक्स के बराबर हो जानी चाहिए। तो पूरा अब हमारा एजेंडा उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो मैं इसे रब कर रहा हूं और अपने दूसरे टारगेट की तरफ पहुंचने का प्रयास हम लोग करेंगे। देखिए बहुत सिस्टमेटिक समझने की जरूरत है, अगर आप चीजों को बहुत पोलाइटली और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत आसानी से एग्जाम में भी परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। नाउ हम मान लेते हैं, नाउ दिस इज, नाउ लेट यक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एबी, ठीक है। तो दिया गया, इसको कर लिया फिक्स, दिस इज फिक्स इट, एंड दिस इज डिफाइन, डिफाइन टू टर्म्स, डिफाइन गौर करिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज फाई एन टी इज इक्वल टू, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं दिस इज एफ एन एक्स, एफ एन एक्स माइनस एफ एन माइ सॉरी एफ एन टी, एफ एन टी माइनस एफ एन एक्स अपॉन टी माइनस एक्स, ठीक है, where t is not equal to x, ठीक है, और जहां पर t जो है वो लाई करता है क्लोज इंटरवल ab में बिलोंग करता है, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अगेन दिस इज phi ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ t, f ऑफ t माइनस f ऑफ x और अपॉन हो जा रहा है t माइनस x, ठीक है, t माइनस x, यहां पर भी t इज नॉट इक्वल टू x एंड a इज लाइंग बिटवीन
t is lying between a to b. Say equation number 7. This is the equation number 6. Now, therefore, limit t tending to x. T tending to x. और ये phi n t की वैल्यू निकालना चाहते हैं. This is equal to limit t tending to x. और this is f n t minus f n x upon t minus x. चूंकि आपके सवाल में दिया हुआ कि आपका फंक्शन डिफरेंसिएबल है, तो ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन है. ये क्या दे देगा आपको, f n dash, this is x, जहां पे टेंड करता उसी की वैल्यू f n dash x. तो लिमिट t टेंडिंग टू x, phi n t की वैल्यू बराबर हो जाएगी f n dash x के. से इक्वेशन नंबर 8. ठीक है, अब आप पुनः जो है इक्वेशन नंबर जो है मैंने रफ नहीं किया 3 पे जाइए आप. ठीक है, तो फ्रॉम पूरा खेल जो है सेकेंड रिजल्ट के लिए है. फ्रॉम इक्वेशन थ्री वी है. अगर हम इक्वेशन नंबर 3 पर आए, 3 की 4 की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना चाहते हैं. कैसे, जरा गौर करिएगा. ठीक है, दिस इज एफ एन यक्स. ठीक है, एफ एन यक्स, सॉरी, दिस इज एफ एम टी और माइनस एफ एम टी माइनस दिस इज एफ एम यक्स और अपॉन टी माइनस यक्स. ठीक है, यू नो दैट एक्स माइनस टी करो चाहे टी माइनस एक्स करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड लगा हुआ है. ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमने ले लिया दिस इज एफ एन यक्स माइनस एफ एन माइनस एफ एन सॉरी दिस इज एफ एन टी माइनस एफ एन यक्स अपॉन टी माइनस यक्स इज लेस देन एप्साइलॉन अपॉन टू टाइम दिस इज बी माइनस ए. ठीक है, टू टाइम बी माइनस ए. इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो दिस इज सो दैट फाई एन, यहां देखिए ऊपर डिफाइंड है फाई एम टी और माइनस फाई एम टी दिस इज फाई एम टी. एम वाले को पहले भी कर सकते थे, वो तो आपके ऊपर है. ठीक है, और दिस इज फाई एन टी इज लेस देन एप्साइलॉन अपॉन टू बी माइनस ए. ठीक है, फॉर एवरी एन कॉमा यम इज ग्रेटर देन कैपिटल एन. सब इक्वेशन एन कॉमा यम ग्रेटर देन यम के लिए होल्ड हो रहा था. ठीक है, तो ये मिला, ये क्या शो कर रहा है, this shows that the this is the Cauchy theorem for uniform convergence means phi n t n is equal to 1 to infinite. ठीक है, is satisfied this is Cauchy theorem for यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. ठीक है, तो अगर ये Cauchy टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो निश्चित ऑन क्लोज इंटरवल एबी, तो आपका जो फंक्शन होगा वो निश्चित तौर पर क्लोज इंटरवल एबी में कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं. नाउ तो अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर ये Cauchy टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है तो मींस phi n t n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी. ठीक है, इस कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ab. ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है. ठीक है, क्लोज इंटरवल ab में. अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालिए. तो नाउ दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव दिस इज phi n t. ठीक है, phi n t में आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा,
limit n tending to infinity, this is fan t minus fan t minus fan x upon हो जाएगा t minus x, ठीक है। आपको पता है कि लिमिट जो है वो एलजेब्रा ऑफ द लिमिट को ऑलवेज क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, दिस इज इस पे तो कुछ असर ही नहीं पड़ेगा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस इज एफ एन टी माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस इज एफ एन एक्स और अपॉन हो जाएगा t माइनस x, ठीक है। अभी आपने साबित किया यहां पर कि आपका फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल ab के किसी भी बिंदु के लिए f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, ठीक है। तो इसकी लिमिट भी आपकी कितनी हो जाएगी, एफ एक्स हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी लिमिट एफ टी हो जाएगी और ये लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, एफ एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, टी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस इज फाइ एन टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स, और ये किसके बराबर है, दिस इज फाइ ऑफ एक्स, सॉरी दिस इज फाइ ऑफ टी वेयर टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी एंड ऑल्सो टी इज नॉट इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अब आपके पास कंक्लूजन क्या मिला कि दस फाइ एन टी एन इज इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी फाइ एन टी इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज फाइ ऑफ टी वेयर टी इज बिलोंग्स टू टी इज लाइंग बिटवीन क्लोज इंटरवल ए बी एंड ऑल्सो टी इज नॉट इक्वल टू एक्स, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। ये आपको इक्वेशन नंबर 9 मिला, ठीक है, यहां तक आपको इक्वेशन नंबर 9 मिला। अब इस 9 का क्या रोल होगा, फिर से समझिए। आपने पहले पार्ट में एफ एन को एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करा दिया, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपने दो टर्म डिफाइन किए, एक फाइ एन टी डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, एफ एन टी माइनस एफ एन एक्स अपॉन टी माइनस एक्स, टी इज नॉट इक्वल टू एक्स, टी इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी। इसी तरह से फाइ ऑफ टी डिफाइन कर लिया, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स, अगेन सेम कंडीशन इक्वेशन नंबर 7। इसकी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिटिंग वैल्यू निकाला, सॉरी टी टेंड टू एक्स पर, टी टेंडिंग टू एक्स फाइ एन टी टी टेंड, तो ये डिफरेंसबिलिटी का डिफिनेशन है और आपका फंक्शन डिफरेंसिएबल है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी एक्स के ऊपर, ठीक है। तो एफ एन डैश एक्स हो जाएगा इक्वेशन नंबर 8, सवाल में दिया हुआ फंक्शन डिफरेंसिएबल है, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 मैंने मिटाया नहीं इसी नाते, इसमें इक्वेशन नंबर 3 में मॉड ऑफ एक्स माइनस टी से डिवाइड कर दीजिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस टी को आप टी माइनस एक्स लिख सकते हैं, उसको एडजस्ट कर दिया गया, तो इस तरीके से एडजस्ट किया गया अंदर लेस देन दिस, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी फाइव एम टी, इसकी वैल्यू फाइव एम टी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन टू बी माइनस ए फॉर एन कॉमा एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है। तो ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि आपका जो फाइव एम टी है वो कॉसी टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि कॉसी टेस्ट ये कहता है कि अगर ये कॉसी टेस्ट सेटिस्फाइड कर रहा है तो जो फाइ एन टी है वो कैसा सीक्वेंस है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। अब अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है तो उसकी यूनिफॉर्म लिमिट क्या होगी, तो यूनिफॉर्म लिमिट आपने निकाला, तो यहां पर लिमिट फाइ एन टी की वैल्यू, तो लिमिट दोनों पर ऑपरेट कर जाएगा, एफ एन टी जो है या एफ एन एक्स किसी भी एक्स के चेंज के लिए एफ एक्स के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो इसकी वैल्यू एफ टी, इसकी वैल्यू एफ एक्स, ये फाइ टी हो जाएगा, यानी कि फाइ एन टी इज द यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, फाइ ऑफ टी, ठीक है। अब इसके बाद अब आपको दिखाना है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी फाइ डैश एन इज इक्वल टू सॉरी एफ डैश एफ एन डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इक्वेशन नंबर 9 में एक काम करने जा रहे हैं,
taking the limit t tending to x in equation number 9, we get, आप ऐसा करिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट इसका मिलेगा, लिमिट t tending to x, गौर करिएगा, phi of t is equal to limit t tending to x limit n tending to infinity phi n t. ठीक है, आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में, मैं इसको प्रीवियस लेक्चर में इसको आप लिख सकते हैं लिमिट t tending to x, phi of t का मतलब हो जाएगा, this is phi of t का मतलब हो जाएगा आपका, this is phi of t, phi of, f of t minus f of x upon t minus x. अभी आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा था कि अंडर द कंडीशन हम सीक्वेंसली और फंक्शनल लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हम इसको इधर कर सकते हैं, इसको बाद में, इसके पीछे कारण है कि ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होना चाहिए, इस क्वेश्चन में है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव लिमिट t टेंडिंग टू x और दिस इज phi n t, ठीक है, phi n t t टेंडिंग टू x पर किसके बराबर है, f n डैश x की, ये देखिए इक्वेशन नंबर 8 कहता है, तो और ये किसकी डिफरेंसिबिलिटी की कंडीशन है, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज एफ एन डैश एक्स, दिस इज बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, अब आपके पास पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या मिला इस पूरे लॉजिक से, हेंस एफ एन n is equal to 1 to infinity, this is converges uniformly to f on close interval ab, पहली बात तो ये मिला था, and also limit n tending to infinity f n dash x is equal to f dash x, तो this is the required theorem, फिर से ध्यान से देखिए, ये आपका जो है फाइ एक्स के ऊपर इसका लिमिट फाइ एन टी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ये क्योंकि लिमिट लेने के बाद हम इसे इंटरचेंज कर सकें, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो गया, अब इसी इस इक्वेशन नंबर 9 का लिमिट टी टेंड टू एक्स पे लिमिट ले लिया, तो दोनों साइड का लिया, तो यहां पर टी टेंड टू एक्स एन टेंड टू इन्फिनिटी फाइ एन टी, अब इसको आपस में चेंज कर सकते हैं, इसका कारण यह है कि जो फाइ एन टी है वो सीक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो उसके सीक्वेंसली और फंक्शनल लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये प्रीवियस थ्योरम कहता है, ठीक है, तो चेंज कर दिया और इस फाइ टी की वैल्यू को यहां से रिप्लेस कर दिया, ये आपके एफ एक्स के जिसपे टेंड करता है उसी के डेरिवेटिव की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन एफ जो है डिफरेंसिएबल है, तो इस नाते ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 8 कहता है कि लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स फाइ एन टी की वैल्यू किसके बराबर है, एफ एन डैश एक्स के, एफ एन डैश एक्स, तो आपका ये ऊपर वाला इक्वेशन 5 कहता है कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, और अबव कहता है कि लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन डैश एक्स की वैल्यू जो किसके बराबर हो जाएगी, एफ डैश एक्स के, ठीक है, तो ये थोड़ा एक बड़ा थ्योरम था जिसको आप बहुत बहुत अच्छे ढंग से रिवाइज करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको इस थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और आरएस इंटीग्रेशन में जो रिलेशंस होते हैं, जो संबंध होते हैं, उनके बीच चर्चा करने का प्रयास करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।